इन दिनों पूरे देश में गौ हत्या और गौ रक्षा की चर्चा जोरों पर है, यहाँ तक कि वो चुनावी मुद्दा भी बन चुका है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफी गंभीर तरीके से गौ हत्या को रोकने और गौ रक्षा के लिए सफल प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत में देखने को मिला, जहां 3 नौजवान साइकिल यात्रा के जरिए पूरे गुजरात में गौ रक्षा का संदेश दे रहे हैं। अब तक गुजरात के 26 जिलों में जाकर ये लोग गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम करने के स्थानीय जिलाधिकारी को ज्ञापन दे चुके हैं और अब सूरत में भी उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। गुजरात गौ क्रांति साइकिल यात्रा की शुरुआत करी है। अत्यार सुधी में अमे लोग 26 जिला में कलेक्टर श्री ने आवेदन पत्र आपी, आज अमे लोग 27 जिला में पहुंचा छे, जहां अमे कलेक्टर श्री ने आवेदन पत्र आपवाना छे। अमारो साइकिल यात्रा मुख्य उद्देश्य गौ माता राष्ट्र माता बने, गुजरात ना जेटला गौचरणों पर जे भूमाफिया द्वारा जे दबाणो करी लीधी छे ते तमाम ने सरकार द्वारा खुली करवामां आवे अने गौ माता माटे खुली मुकवामां आवे अने गुजरात गौ हत्या मुक्त बने। गुजरात सरकार द्वारा एवं कहेवामां आवे छे वारंवार के गौ माता माटे खूब सारो कायदो बनावामां आव्यो छे, ते मात्र ने मात्र कागळ पर ज छे। आटली ज गौ तस्करी थई रही छे અને ગૌ માતાની હત્યા થઈ રહી છે, જો આપે કાયદો બનાવ્યો છે તો આ ગૌ તસ્કરી અને ગૌ હત્યા કેમ થઈ રહી છે। इस मौके पर सूरत में इन तीनों का भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने पुष्प वर्षा के बीच गौ माता के संरक्षण को लेकर नारे लगाए। वहीं लोक डायर के माध्यम से भी इनका सत्कार किया गया, जहां बड़ी संख्या में मौजूद सूरतवासियों के बीच में गौ रक्षा को लेकर संदेश दिया गया, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन किया। क्षत्रियों ने ब्राह्मण बता फेंका दिया जाए, दूसरा जी हटाए इस यात्रा का मुख्य मकसद लोगों में गौ रक्षा के प्रति जागरूकता लाना और सरकार पर दबाव बनाकर इस दिशा में बड़े कदम उठाने के लिए कहना है, जिसकी शुरुआत गुजरात से की गई है। न्यूज़ टॉक लाइव के लिए सूरत से महेंद्र पाटिल की रिपोर्ट।